अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कंदील ज़हरा ज़मीर है और मेरा ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से और मैं उधर साइंटिफिक ऑफिसर हूँ। सबसे पहले तो ये जो सेशन आज का हुआ है स्मार्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के ऊपर, जो कि क्लाइमेट चेंज से इन्होंने लिंक किया है, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त सेशन रहा है इन टर्म्स ऑफ जो क्रॉप्स के बारे में और जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो बहुत अच्छी दी गई है। और ये जो आज की जो वर्कशॉप थी, जो वन डे कंसल्टेटिव वर्कशॉप थी, ये कराकरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी गिलगित और कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के कलेबरेशन से हुई। मुझे बीइंग एन एनवायरमेंटलिस्ट इस वर्कशॉप में या इस कंसल्टेटिव सेशन में जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि ऐसी जो है कंसल्टेटिव वर्कशॉप जहाँ पर हमारे पास फार्मर्स भी आए हुए हैं, जो हमारा एक कम्युनिकेशन गैप है बिटवीन फार्मर्स एंड द रिसर्चर्स या फार्मर्स रिसर्चर्स एंड द लेमेन, वो एक तरह से जो है वो ब्रिज हो जाएगा। और जब हायर अशलांस पे अपनी ये बात लेकर जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो जाएगी। और बीइंग एन इम्प्लीमेंटिंग एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं EPA से हूँ, तो हमारे लिए क्योंकि हम पॉलिसी मेकर्स हैं और हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं तो ये चीज़ हमें जो है वो ज़्यादा हेल्प करेगी। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो प्रोग्राम्स हैं वो आगे होने चाहिए, ख़ासकर जहाँ पर आपको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता चले और जहाँ पर आपकी जो है वो कम्युनिकेशन जो गैप्स हैं वो